नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस गुड लिविंग वाले दृश्य के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो खाली एक प्लांट को लगाने या उसकी खूबसूरती के ऊपर ही नहीं है, वो प्लांट दोस्तों आपकी खुद की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में वो नेचुरली उगाएगा और बिल्कुल आपने गलती से भी उसको उखाड़ना नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चांगेरी के प्लांट के बारे में, जो कि आमतौर पर हमारे घरों में गमलों में उगाता है और शायद आप ध्यान भी नहीं देते होंगे। और मैं भी दोस्तों पहले उस प्लांट पे इतना ध्यान नहीं देती थी, और जब भी मुझे गमलों की गुड़ाई वगैरह करनी होती थी और वो उगा होता था तो मैं उखाड़ देती थी, जब तक मुझे नहीं पता था। और बिल्कुल अगर आपको नहीं पता है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अब से मत उखाड़ना। जब मैं इसके आपको बेनिफिट बताऊंगी ना, तो बिल्कुल आप यकीन मानिए कि आप इस प्लांट को कभी भी नहीं उखाड़ेंगे। इसे ही बोलते हैं दोस्तों चांगेरी का प्लांट, जो अपने आप ही नेचुरली बूटी होती है एक तरह की। इसको कि दोस्तों अंग्रेजी भाषा में इंडियन सॉरेल बोला जाता है, और इसको दोस्तों अपनी हिंदी भाषा में बोला जाता है तीन पतिया या खट्टी बूटी। तो मेरे भी एक लेमन प्लांट में नीचे मैं कल गुड़ाई कर रही थी इसकी, नींबू के प्लांट की, जैसे कि अब गर्मी आने वाली है और हमारे गर्मी के जितने भी पौधे हैं उन्हें खुराक की ज़रूरत है, तो बस ये सारी घास फूस जो वीड वाले प्लांट है मैं निकाल रही थी। लेकिन ये वाला वीड दोस्तों, वीड है वैसे, ये अनवांटेड प्लांट है, इसके इतने सारे गुण हैं कि आपने इसको निकालना नहीं है। एक तरह से आप वीड मत कहो इसको, जड़ी बूटी के तौर पे ही लो। और दोस्तों कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किसी भी टेम्परेचर में ये प्लांट अपने आप उगाते हैं, और संस्कृत में बोलते हैं दोस्तों इसको चांगेरी और अमल पत्रिका। और वैसे दोस्तों अगर आप इसको साइंटिफिकली सर्च करना चाहें तो इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं ऑक्सैलिस कॉर्निकुलाटा, ऑक्सैलिस कॉर्निकुलाटा। तो बस ये इसके नाम थे मेन। तो आते हैं इसके बेनिफिट के ऊपर कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। और अगर आपके गार्डन में है तो बिल्कुल इस तरह से गमलों की गुड़ाई करें कि आपके प्लांट उखड़े ना। जैसे कल मैंने भी, जो दोस्तों मेरे छोटे छोटे सुकुलेंट्स वगैरह कई बार गमलों में लगे हुए होते हैं बड़े बड़े में, तो मैं फिर उनकी गुड़ाई कैसे करती हूँ कि मैं कोई अंदर से किचन से फोक ले आती हूँ या फिर छुरी ले आती हूँ। छुरी नहीं होती ये काटे छुरे वाली छुरी, वो तेज वाली चक्कू वाली छुरी नहीं, वो दूसरे वाली छुरी, तो वो मैं ले आती हूँ, उससे फिर मैं गुड़ाई करती हूँ, ताकि इन जो मेरे प्लांट मुझे बचाने हैं छोटे छोटे लगे हुए हैं, या मैंने एक ही वैरायटी गमले में इकट्ठी की हुई है, तो उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। वैसे अगर आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो वो इंस्ट्रूमेंट मिल भी जाते हैं बाज़ार में इस तरह के बारीक वाले, तो अपने हिसाब से देख लें घर में क्या चीज़ ऐसी बारीक जिससे कि आप गमलों की गुड़ाई कर सकें और ये प्लांट डिस्ट्रॉय ना हो आपके। तो दोस्तों चांगेरी के पत्तों को, जैसा कि मैंने बताया कि अमल पत्रिका भी कहा जाता है क्योंकि ये खट्टी होती है, इमली के जैसे खट्टापन लिए होते हैं इसके जो लीफ होते हैं, आप वैसे ही चबा के देख लेना। और बारहमासी पाए जाने वाला प्लांट है दोस्तों ये, बिल्कुल एवरग्रीन प्लांट है हमेशा के लिए, और बिल्कुल खरपतवार की तरह ही उगती है ये गमलों में या खेतों वगैरह में। और इसके दोस्तों पीले रंग के ना छोटे छोटे फूल खिलते हैं इसमें, और इसका दोस्तों प्रयोग हमारे आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसके पत्तों में दोस्तों कैरोटीन, कैल्शियम, ऑक्सालेट्स से जितने भी भरपूर तत्व हैं वो बिल्कुल कूट कूट के भरे हुए हैं, और साथ ही दोस्तों ये विटामिन सी का तो अच्छा सोर्स है ही, जैसे कि इसके पत्ते खट्टे होते हैं, जो चीज़ खट्टी होगी उसमें विटामिन सी तो नेचुरली होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जिन लोगों को गठिया है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है ना, वो ना ले इसको, तो उनके लिए नहीं है ये। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कई बार जैसे हमारे बॉडी में या बड़ी एज में होने पे मस्से निकल आते हैं, तो मस्सों का भी इलाज इससे बहुत अच्छी तरह से किया जाता है कि आप अगर कुछ दिन तक इसके पत्तों को क्रश करके और उन मस्सों पे लगाएं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मस्सा आसानी से आपकी स्किन से दूर होना शुरू हो गया है और वो धीरे धीरे अपने आप ही हट जाएगा।
तो बस करना कुछ नहीं, उसका पेस्ट बना के पानी मिला के, और जहाँ भी वो मस्सा है वहाँ पे कुछ मिनटों तक रगड़े आप उसको, और दिन में ना एक दो बार कर लें काम, जैसे निकलते घर में आते जाते जब भी ये दिखे क्रश करके अपने उस पर लगा लें। तो मस्सों में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है ये कि मस्से अपने आप झड़ जाते हैं, बड़े बड़े कई बार मस्से हो जाते हैं बड़ी एज में, और बिना किसी दवाई के देखो आराम से दूर हो जाएंगे इसके पत्तों के रगड़ने से ही। और दोस्तों इसके पत्तों से माइग्रेन की समस्या भी दूर होती है, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है अगर वो इसके पत्तों का लेप बना के पेस्ट बना के अपने माथे पे लगा लें तो बिल्कुल ये आपके सिर का दर्द, वैसे नॉर्मली भी होता है तब भी आप लगा लो, अगर माइग्रेन की समस्या है तो भी लगा लो। तो बिल्कुल दोस्तों, और डाइजेशन में तो इसका कमाल ही है। खैर जैसे कि हम चटनी वगैरह बनाते हैं घर में, है ना, खटास के लिए हम कई बार इमली डाल देते हैं या मैं विनेगर डालती हूँ, जो ऑर्गेनिक विनेगर होते हैं ना गन्ने का और इसका जामुन का, चटनी बनाते वक्त। तो बिल्कुल ये वही काम करेंगे पत्ते आपके, इतने खट्टे खट्टे हैं ये खटास से भरे हुए कि आपको फिर इमली या कोई भी सिरका वगैरह अपनी चटनी में मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे चटनी बनाते हो धनिए की या पुदीने की, उसमें इसके पत्ते भी थोड़े से डाल दो धो के, तो मतलब इसका स्वाद तो है ही दोस्तों, खट्टा इतना टेस्टी है, लेकिन ये आपके शरीर में क्या काम करेंगे फिर कि जिसकी भी जैसी भी डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है या एसिडिटी से रिलेटेड समस्या है, या कई बार दोस्तों लंबी बीमारी के बाद भूख भी नहीं लगती, तो उससे अगर कोई समस्या है तो ये बिल्कुल, अगर आप इसकी इसको अलग से भी डालो जैसे चटनी में तो पता भी नहीं लगेगा, है ना, खाने के साथ खाई भी जाएगी, और दूसरा इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपकी दूर भी हो जाएगी। तो मेन जो मुझे बातें पता थी दोस्तों वो मैं बता रही हूँ इसको इसकी आपको, और सिर दर्द के लिए तो मैंने बता ही दिया इसका आपने लेप लगा लेना है। और दोस्तों इसका जो पेस्ट है ना वो आप अपने दांतों को मजबूत बनाने के लिए भी कर सकते हो, इससे आपके दांत और मसूड़े जो है ना मजबूत हो जाते हैं। इसका पेस्ट बना के उसमें थोड़ी सी हल्दी और सेंधा नमक और फिटकरी मिला के आप इसका पाउडर बना लो। तो अगर आप इसका मंजन करते हो तो बिल्कुल आपके मसूड़े ही मजबूत होंगे, और जो भी आपकी मुंह से रिलेटेड समस्या होगी ना पायरिया वगैरह की या स्मेल आने की, क्योंकि इसके पत्तों में खटास है नेचुरली, और विटामिन सी जो होता है दोस्तों हमारे टीथ के लिए और हमारे मसूड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इससे मुँह की स्मेल भी चली जाएगी, और दूसरा अगर इनसे टीथ से या मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। और चौथा दोस्तों, ये आपकी जो स्किन है उसको सुंदर बनाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने फेस पे से झुर्रियाँ दूर करना चाहते हो तो बिल्कुल अगर इसका लेप बना के, और जैसे भी आप अपना उबटन बनाते हो उसमें अगर आप इसके पत्ते मिक्स कर लेते हो तो आपकी झुर्रियाँ भी दूर होंगी, और इस किसी भी तरह का अगर स्किन इन्फेक्शन है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो बस मुझे तो अभी फ़िलहाल यही समझ में आ रहे थे, और एक और आ रहा है कि अगर किसी भी तरह से आपको इंडाइजेशन है या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो भी आप इसका अगर सेवन करेंगे तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। और ज़्यादा नहीं तो दोस्तों इसका आप यूज़ इस तरह भी कर सकते हो गर्मियों में, जैसे गर्मी आने वाली है और हम छाछ वगैरह पीते हैं तो आप इसको अपनी लस्सी में भी क्रश कर सकते हो, है ना, जैसे कि हम कई बार पुदीना वगैरह डाल लेते हैं अपनी छाछ में टेस्ट को बढ़ाने के लिए, तो थोड़े से पत्ते अगर आप इसके भी डाल के और पेस्ट बना के अपनी छाछ या लस्सी में मिक्स कर लेते हो तो तब भी ये आपका एंटी एसिडिक का काम करता है। तो जिसकी शरीर में ज़्यादा एसिड बनता है तो वो एसिड बनने वाली समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये तो नहीं कहना चाहिए कि एकदम से आप पियोगे और ख़त्म हो जाएगी, है ना, लेकिन आप अगर रेगुलर यूज़ करते हो इन आयुर्वेदिक चीज़ों का तो ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा, है ना। जब शुरुआत से इनकी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, आयुर्वेद में भी यूज़ हो रहा है हमारे और इसमें इतने सारे गुण हैं, तो फिर तो हमें इसको बिल्कुल भी नहीं उखाड़ना चाहिए अपने गार्डन से, है ना, या कहीं भी लगे हुए हों, चाहे क्यारी में लगे हुए हों चाहे गमलों में लगे हुए हों, तो बिल्कुल ध्यान रखें और इस इतने सुंदर और बेनिफिशियल प्लांट को
और इसके पत्ते वैसे भी देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों, देखो गमले में भी लगे हुए। और ये दूसरा मल्चिंग का भी काम करेंगे, है ना, आगे आगे जैसे धूप पड़ेगी तो एक तरह से हमारे गमले को भी कवर करके रखेंगे, है ना। तो बस इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल में भी ले लेना है और इसके साथ कोई छेड़खानी भी नहीं करनी कि आपका ये प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसको लगाने की तो ज़रूरत है नहीं, अपने आप ही उगाते हैं गार्डन में, आप ध्यान से देखोगे तो उगे हुए होंगे। तो चलते हैं गार्डन में और कौन कौन से फूल खिले हुए हैं देखते हैं, क्योंकि दोस्तों अब मेरे गार्डन में ज़्यादा फूल खिलने शुरू होंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्माहट से का मौसम आएगा ना, अभी तक तो ठंड चल रही थी और धूप भी नहीं आ रही थी गार्डन में, लेकिन अब जैसे जैसे धूप आनी शुरू होगी ना, ये देखो नई वेराइटी खिली आज इसकी पेटूनिया की, ये तो खैर पहले से ही खिल रहे हैं, मैं आपको दिखाती भी थी। तो उसमें जो डिश है ना उसमें मैंने मिक्स करके लगा रखे हैं, आप पता लगेगा कि कौन से, पर्पल तो खिल ही रहे थे एक दो दिन पहले, पिंक खिले हैं उसका पता लग गया, और देखो एक और लगाया था मैंने वो खिलेगा तब पता लगेगा। तो बस अब तो बहुत बढ़िया मौसम हो गया दोस्तों, मज़ा आ गया, खैर है ना, ऐसा ही मौसम हमें भी पसंद है और हमारे प्लांट्स को भी पसंद है, ना गर्मी है ना सर्दी है अब तो, और बिल्कुल दोस्तों यही मौसम होता है नए नए प्लांट लगाने का भी, अगर आप नर्सरी से ला के लगाना चाहते हो। मार्च का मौसम दोस्तों प्लांट लगाने का ही होता है, आप चाहे अपने बीज उगाओ इस मौसम में, कटिंग लगाओ, चाहे आप नर्सरी से लाला के प्लांट लगाओ, जिनको डर लगता है कि हमारे प्लांट गर्मी में ख़राब हो जाएंगे या गर्मी में लगाएंगे, तो ये बढ़िया मौसम होता है अपने प्लांट को सेट करने का नर्सरी से लाके, क्योंकि जब तक गर्मी आएगी आपका प्लांट प्रॉपरली सेट हो चुका होगा, अगर रूट वगैरह डिवेलप हो जाए अच्छे से, मिट्टी में सेट हो जाए प्लांट, तो फिर गर्मी में उसको बचाना आसान हो जाता है। तो बिल्कुल ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल उगे हुए हैं, बस ये लास्ट है, अभी शाम को जब मैं अंदर जाऊंगी ना, तब जो मुझे फूल पुराने लगते हैं ना दोस्तों, मैं उनकी पिंचिंग करके ही जाती हूँ अंदर, ताकि नेक्स्ट डे आए तो फिर नए फूलों को जगह मिले, नई कलियों को जगह मिले। तो वैसे मेरा रूटीन है ये, अंदर जाते वक्त जैसे बाहर बैठी होती हूँ, फिर एक सीजर से ना सारे जो पुराने वाले स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको मैं हटा के तभी जाती हूँ अंदर, ताकि रात की ठंडक में कलियाँ और अच्छी खिलें, और फिर सुबह दिन निकलेगा तब वो ब्लूम करेंगी, और पूरी की पूरी खुराक है जो वो उस पूरे प्लांट को मिलेगी, इसको की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमें बीज बनाना नहीं है तो इसलिए खाली फूलों की ज़रूरत है। और ये इस तरह की हैंगिंग बास्केट बना बना के तो घर भी देखने में अच्छा लगता है, प्लांट भी अच्छे से चलते हैं, और एक होम डेकोर का भी काम करते हैं, है ना। तो बिल्कुल इस तरह की हैंगिंग बास्केट बनाया करो, अच्छी लगती हैं घर में लगी हुई, कोई ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें, कोकोपीट वगैरह का मिक्सचर करके अपना मिट्टी तैयार किया करो, ताकि मॉइस्चर भी काफ़ी देर तक बना रहे। और ये देखो जैसे मर्जी मिल जाए आपको मार्केट में, आजकल बहुत तरह की वैरायटी अवेलेबल है, मेरी तो खैर काफ़ी पुरानी हो गई है ये, अब तो और भी नई नई वैरायटी आ रही हैं, और बस पुराने फूलों को आप हटाते रहा करो। अब जैसे पुराना हो गया, इसका रंग भी फेड सा हो गया ना, तो इस तरह से हटा दिया करो। तो बस दोस्तों उम्मीद है आज का चंगेरी वाला जो प्लांट है आपको अच्छा लगा होगा, और उसके बेनिफिट्स जान के भी आपको खुशी हुई होगी। तो बस दोस्तों इसी तरह से पेड़ पौधे लगाते रहें, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।